आज यहाँ 14 अगस्त 2023 हम 76वां यौम आज़ादी के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। गवर्नर साहब और मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और एक पीसफुल अमन का गहवारा बनाएं। इस दिन ख़ास तौर पे हमें अपने उन शहदा को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जाने इस मुल्क की दिफा में अपनी जाने कुर्बान की हैं, शहीद का रुतबा पाया है, जिसमें हमारे पुलिस, पाक फ़ौज, हमारे रेंजर्स और ख़ास तौर पे सूबे सिंध में जो अमन कायम करने के लिए शहदा हैं उनको सलाम। इसके साथ साथ आज के दिन हमें अपने उन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद करना चाहिए। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे कश्मीर के अंदर जो एक मुजरिमाना कैफियत है, जहाँ पे एक इसे दुनिया कसाई के नाम से जानती है, गुजरात के कसाई के नाम से जानती है, उसने जुल्म और बर्बरियत फैलाई हुई है। एक बहुत ही अफसरदा वाकया हुआ है। हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और मैं पर्सनली उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता था, सब जब शक्कर जाता था उनसे मुलाकात होती थी, जान मोहम्मद महर साहब, उनको गोलियों से छलनी करके हलाक कर दिया गया है। मुझे रात को 9:15 बजे के करीब वाकया हुआ था और उसी वक्त मौके पे पुलिस उसी वक्त पहुंच गई थी। कुछ शवाहद भी हैं कि किसने ये अंधोनाक वाकया किया है और मैंने पुलिस को हिदायत की हुई है कि इंसाफ होना चाहिए और उसे कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो है हुकूमत सिंध, मैं तो खैर अब एक दो दिन होंगे इधर, जितने भी जब तक केयरटेकर सीएम नहीं आ सकते, लेकिन डायरेक्शंस दी हुई हैं और जब मैं जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी उसको ज़रूर अपनी जो मुलाकात होगी उसमें कहूँगा कि इस वक्त अदा कार्रवाई जो खबर पौधी ना कार्रवाई थी जे मारे आए उनके तहाँ हमेशा मुझे गाल बुदो एक मिनट तहाँ जो मसलो माजरत से यो आए तो जे दहशतगर्द जे मारे आए उनके छे था सर उन्हें जे गफलत के उनते कार्रवाई थी पर सभी का पैरी कार्रवाई थी उन कातिलन से तुम इन की गाल कर। हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए दुआगो हैं कि वो जल्द इस अजाब, इस मोदी के अजाब से छुटकारा हासिल करें। हमारे मुल्क, हमारा मुल्क एक ऐसे दौराए से गुजर रहा है जहाँ आप सबको पता है कि असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं सारी, वफाक और दो सूबों में केयरटेकर गवर्नमेंट्स आ गए हैं। आज वज़ीर आज़म साहब, केयरटेकर वज़ीर आज़म हलफ लेंगे, मैं उनको अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी मुबारक देता हूँ हलफ लेने की आज। और उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान में भी चंद दिनों में निगरान हुकूमतें आ जाएंगी। इस वक्त ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि हम आइन और कानून पर चलते हुए, आइन की पासदारी करते हुए जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शंस कराएं और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मुल्क का नस्म व नक्श संभालने के लिए, जिसको इस मुल्क की आवाम चाहती हो उसको इलेक्ट करें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ख़ास तौर पे हमारी लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पूरे कौम को और जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं उनको और ख़ास तौर पे मेरे सिंध में रहने वाले पाकिस्तानियों को दिल की गहराई से यौम आज़ादी की मुबारक देता हूँ। इसी अज़म से कि जिस तरीके से हम पहले कोशा रहे इस मुल्क को में खुशहाली लाने के लिए और इस मुल्क को
एक अमन का गहवारा बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।